एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक न्यू चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जो है इंडेक्सिंग। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है अ टेक्निक इज रिक्वायर्ड विच कैन इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लेटर और डॉक्यूमेंट, यानी कि लेटर एंड डॉक्यूमेंट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। यानी कि यहाँ पे बात किया गया है कि इंडेक्सिंग क्या होती है। एक ऐसी टेक्निक होती है जो क्या करती है, जो आपको हेल्प करती है कि आपने जितनी भी फाइलिंग्स की हैं उनमें से जब आपको उनको निकालना रहता है, जब हमको ज़रूरत पड़ती है कि कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, उसको लाइए हम चेक करते हैं, तो उसे चेक करने के लिए या उस डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए कौन हेल्प करता है हमें, इंडेक्सिंग हेल्प करता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ विदाउट इंडेक्सिंग अगर हम फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक, और इंडेक्सिंग नहीं कर रखी है, तो हमें एक डॉक्यूमेंट को ढूंढने में बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है, और वो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत बन जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंडेक्सिंग का मतलब। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग आया क्यों था, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्यों है, नीड क्यों है। सिंपल सी बात ये है, फाइलिंग आप करते हो एक फॉर्म में या एक ऑफिस में, बिजनेस फॉर्म में, कहीं पे भी आप देखते हो एक डॉक्यूमेंट तो रहता नहीं है जिसको आपने रख दिया है प्रिजर्व करके। ना जाने कितने लेटर्स आते हैं, ना जाने कितने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज होती हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स को आपको स्टोर करके रखना रहता है, और जब ज़रूरत पड़ी आपको वो डॉक्यूमेंट निकालना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट लेटर है, कि कोई डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कि ये वही डॉक्यूमेंट है जो मुझे चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपको इंडेक्सिंग ज़रूरी है, पता होना चाहिए हमने किस तरीके में, किस सिस्टम में हमने अरेंज किया है फाइल्स को। अगर हमें वो सिस्टम पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने उन फाइल्स को, अपने उन डॉक्यूमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फाइलिंग को, इंडेक्सिंग को आप एक तरीके से फाइंडिंग टूल भी बोलते हो। एक ऑथर है, उनके थ्रू इनको फाइंडिंग टूल भी कहा गया है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस पर कि हमारे लिए इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है। इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये हमें हमारे लेटर्स फाइंड करने में मदद करता है। ईजी टू फाइंड लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स, ठीक, आप इजीली फाइंड कर लेते हो, आपको 10 बार इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है इस शेल्फ में इतने सारे इतने सारे बुक्स रखे हुए हैं, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ये वाली बुक रखी होगी। आप लोग स्कूल जाते हो या लाइब्रेरी गए होगे, वहाँ पे आप लोग ने देखा होगा सबका सेक्शन अलग रहता है, सबका सेक्शन अलग है। आपको पता है कि ये शेल्फ इंग्लिश की बुक्स वाली है, ठीक है, ये वाली जो शेल्फ है ये हिंदी की बुक्स के लिए है, ये वाली शेल्फ 12th वालों के लिए। तो आपको बार बार, अगर मान लीजिए कुछ भी मेंशन ना होता, सिर्फ बुक्स रखी होती, तो आप कैसे ढूंढते। आपको एक बुक ढूंढने के लिए पूरा दिन लग जाता। आप जाके किसी, कभी इस वाली शेल्फ में देख रहे हो तो लग रहा है इसमें हिंदी है, दूसरे वाले शेल्फ में गए तो वहाँ है इंग्लिश है, तीसरी वाली में गए तो वहाँ पे जो बुक चाहिए वो तो है बट वो दूसरे क्लास की है। तो इसीलिए इंडेक्सिंग ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, सेव टाइम, आपका टाइम सेव करती है। प्रोटेक्शन, आपके गुड्स। अब मान लीजिए अगर हम, हमारे पास कोई इंडेक्सिंग सिस्टम है ही नहीं, हम बिना उसके हम ऐसे कर रहे हैं, तो हम ना जाने फ्रस्ट्रेशन में जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, बुक्स निकालेंगे तुरंत रख देंगे, ठीक, जिनका काम नहीं वो भी निकाल रहे फालतू में रख रहे, अभी कहीं मुड़ मुड़ा गई या फट गई तो क्या होगा, यानी कि ख़राब हो जाएंगी। अगर इंडेक्सिंग की है तो हम उसी शेल्फ पर जाएंगे या हम वही सामान लेने जाएंगे जिसकी हमको ज़रूरत है, वही डॉक्यूमेंट निकालेंगे, वही लेटर निकालेंगे, तो इससे हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे लेटर्स प्रोटेक्ट भी रहते हैं। एसेंशियल फॉर वर्टिकल फाइलिंग, जो भी वर्टिकल फाइलिंग होती है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडेक्सिंग करो, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, ये आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ गुड्स इन शॉप, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्सिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करने के लिए ही की जाए या सिर्फ पर्टिकुलर लेटर्स को ही की जाए। ये आपके गुड्स, आपके अरेंजमेंट्स, आप जो भी अरेंजमेंट करते हो, आप लोग अपनी अलमीरा देखो जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रखते हो, तो उसमें भी आप एक मैनर में रखते होगे ना कि हाँ इधर साइड के कपड़े मेरे एकदम सारे न्यू वाले हैं, जब कोई फंक्शन पड़ेगा तो ऐसे, ये डेली यूज़ वाले हैं, ये जब हम बाहर जाएंगे तो उसके लिए, इसके लिए अलग हैं,
एकदम न्यूली वो न्यू कपड़े जो पार्टी वेयर फंक्शंस के लिए उसको अलग रखेंगे, वेडिंग फंक्शंस के लिए अलग रखेंगे। यानी कि आप लोग क्या करते हो, हर चीज़ को एक अलग तरीके में रखते हो। अपनी आप लोग जब पढ़ने भी बैठते हो तो भी आप क्या करते हो, अच्छा ये मेरी जो है ये सारी रफ कॉपीज़ है जो मुझे स्कूल नहीं लेके जानी, ये मेरी कौन सी कॉपीज़ है जो मुझे स्कूल लेके जानी है डेली, ऐसे रखते हो ना। हर चीज़ को एक तरीके में रखते हो कि आपको ढूंढने पे वो सामान टाइम पर मिल जाए। तो उसी तरीके से इंडेक्सिंग भी आपको हेल्प करता है। आप शॉप पर जाते हो, शॉप पे भी देखते होगे कितना कुछ सामान शॉप में रहता है, कितना कुछ सामान शॉप में रहता है। वो तो रह गई भाई, शॉप है उसका काम है बेचना तो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन से टाइप की चीज़ें कहाँ पर रखी होंगी या कहाँ पर क्या सामान मिल रहा है। ठीक है, ऐसे तो हम पूरे वक्त घूमते रहेंगे। अब हमने पूछा कि हमको ये वाले कपड़े कहाँ मिलेंगे या हमको फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा पूरा। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, आपने देखा अच्छा यहाँ वाले सेक्शन पे ये। अब मैं बार बार किससे पूछूँ, तो वहाँ पे पहले ही प्राइस लगा हुआ है कि यहाँ पे इतना सारा पोर्शन आपको इतने प्राइस का मिलेगा, तो मुझे पता चल गया, मुझे अगर लेना होगा तो मैं लूँगी, नहीं लेना होगा तो नहीं लूँगी। तो वो चीज़ होती है लोकेशन ऑफ गुड्स इन शॉप। आप शॉप में गुड्स रखते हो तो उसकी लोकेशन पता करने में भी आपको हेल्प करता है। अगर आप वैसे मॉल्स वगैरह में भी ना जाओ, ऐसे नॉर्मल रिटेल शॉप पे भी चले जाओ, तो वहाँ पे भी देखो अलमीरा लगी रहती है। तो वो क्या करते हैं, हर चीज़ को एक अलग अलग तरीके से रखते हैं ना, कि यहाँ पे सारे मसाले होंगे, यहाँ पे सारे अदर आइटम्स रहेंगे, यहाँ सारे चॉकलेट्स रहेंगे, यहाँ पे सारे अदर आइटम्स। तो ये सारी चीज़ें उनको क्या इंडिकेट करी, ताकि अगर कस्टमर आए तो उसे हमें वेट ना कराना पड़े, हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, हम तुरंत निकाले और उसको दे दिया। तो ये होती है आपके लिए ज़रूरी होता है इंडेक्सिंग। आई विश आपको समझ में आया हो कि इंडेक्सिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब एक टॉपिक आपका बनता है डिफ़िकल्टीज़ इफ इंडेक्सिंग इज़ एब्सेंस। अगर इंडेक्सिंग हमारे लिए एब्सेंट है, इंडेक्सिंग नहीं दे रखी है, तो हमें क्या डिफ़िकल्टी आएगी, हमें हमारे गुड्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारे गुड्स इधर उधर हो सकते हैं या खो सकते हैं। ठीक, फ्रस्ट्रेशन होती है अगर आपको कोई सामान नहीं मिलता, ज़रा सा सामान नहीं मिलता तो आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अरे यार एक सामान ढंग से घर में नहीं रखा रहता, होता है ना। तो वही चीज़ आपकी उसमें भी होती है कि ढंग से अगर आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, और जब फ्रस्ट्रेशन होगी तो आपका सारा काम बिगड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि डिफ़िकल्टीज़ बहुत आएंगी, आप कहीं ना कहीं अपने कस्टमर को भी लॉस्ट कर सकते हो अगर ऐसी इंडेक्सिंग अगर आपने नहीं रखी तो। अगर मान लीजिए, होता नहीं है कभी कभार शॉप में आप जाओ, किसी भी शॉप पे जाओ, वहाँ पे आपने कोई सामान मांगा और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उस चीज़ को ढूंढने में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे, तो आप क्या कहोगे, अच्छा ठीक है अंकल रहने दीजिए, हम बाद में आपको ले लेंगे। आप बाद में उनके वहाँ नहीं जाओगे, आप तुरंत चले जाओगे किसी दूसरे शॉप पे, वहाँ पे जाके पूछ लोगे कि क्या आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है कि नहीं। आप वहाँ से थक गए, आपका कस्टमर लॉस्ट हुआ ना उस शॉप का। तो ये चीज़ होती है आपकी एब्सेंस ऑफ इंडेक्सिंग। अगर हमारी इंडेक्सिंग एब्सेंट है तो हमें ये सारी लॉसेस होंगी। अब ज़रा बात करते हैं कि इंडेक्सिंग करी कैसी जाती है, उसके मेथड्स क्या हैं। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, एक होती है लेटर बुक, और एक होता है वॉवेल, एक होता है कार्ड इंडेक्सिंग, व्हील इंडेक्सिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग और विजिबल। इनमें से जो आपको मेनली बोर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं, लेटर, कार्ड और वॉवेल। ये तीन मेन हैं जो आप पढ़ लीजिए ज़्यादातर, मतलब यही तीन मेन रखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इंडेक्सिंग से आपका आता नहीं है। मेन अगर पूछा जाता है तो उसकी मीनिंग पूछ ली जाती है, उसके ऑब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब अगर हम बात करें लेटर बुक की बात करें, तो लेटर बुक होता है इस तरीके से इंडेक्सिंग करना, जैसे आप लोग ने देखा होगा डिक्शनरी देखी है, डिक्शनरी सब लोग ने देखी होगी, सब लोग ने उसका इस्तेमाल भी किया होगा। ठीक, तो डिक्शनरी में क्या रहता है, एक बुक होती है उसमें ए टू जेड सारे स्लिप्स लगे रहते हैं ना, कि ऊपर वाले पोर्शन में ए है, उसके बाहर निकला हुआ है। ठीक, तो इसी टाइप से आप क्या करते हो, यानी कि इंडेक्सिंग करते हो, कि यानी कि इतने से इतने पेजेस में सारे ए वाले लेटर्स आएंगे, इतने से इतने पेजेस में सारे बी वाले लेटर्स, इतने से इतने पेजेस में सारे सी वाले लेटर्स आएंगे। ठीक है, तो वही होता है लेटर बुक। और साथ में लेटर बुक दो टाइप से होते हैं, या तो आप सिंगली एक सिंपल बुक रखते हो, ठीक, एक बुक के अंदर ए टू जेड सारे डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हो ए टू जेड, या एक होता है जिसमें आप सिंगल सिंगल बुक रखते हो, जैसे मान लीजिए ए के लिए अलग कॉपी बनाई, बी के लिए अलग कॉपी बनाई, सी के लिए अलग कॉपी बनाई, ए वाले वर्ड्स के लिए अलग कॉपी, बी वाले वर्ड्स के लिए अलग कॉपी, सी वाले वर्ड्स के लिए अलग कॉपी। सो ये भी एक इंडेक्सिंग होता है।
अब हाँ ठीक है, इजी है, आपको जो चाहिए आप तुरंत गए, बी वाली आपको चाहिए, बी वाले सेंटेंस देखना है तो आप डायरेक्टली बी वाली बुक ही उठाओगी, ना कि ए वाली। लेकिन इससे क्या हो जाती है, आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा बुक्स बनानी पड़ जाती है और उसके लिए आपको स्पेस की भी ज़्यादा, ये आपकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरता है। बट अगर आप सिंपल बुक बनाते हो तो एक ही बुक के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगी। सो ये होती है लेटर बुक इंडेक्सिंग। अब बात करते हैं वॉवल इंडेक्सिंग क्या होती है। वॉवल इंडेक्सिंग होती है, रुके हम समझाते हैं आपको। वॉवल इंडेक्सिंग होती है जैसे कि आपने क्या किया, हमारे वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। अब मान लीजिए जैसे मेरा नाम स्टार्ट हो, जैसे किसी का नाम स्टार्ट होता है संजीव, किसी का नाम है संजीव, तो एस ए उसके उसका। फिर नेक्स्ट है किसी का नाम है किसी का नाम है सोनू, तो एस ओ, या सुमित एस यू। यानी कि आप देख रहे हो ना, आप सभी लेटर्स के बाद का देखते हो, बाद के वर्ड्स क्या आ रहे हैं, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है। यानी कि इस तरीके में आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हो। आपने एक बुक तैयार की, उसमें आपने देखा एस नाम के सारे वर्ड्स हैं, एस ए एक साइड में आ जाएंगे, एस ई वाले जितने लेटर्स हैं वो एक साइड आएंगे, एस आई वाले जितने लेटर्स होंगे वो एक अलग साइड उसमें आएंगे, एस ओ वाले जितने लेटर्स होंगे वो अलग रहेंगे। तो आप लोग ने देखा कि यहाँ पे वोवल इंडेक्सिंग कैसे होती है। वोवल इंडेक्सिंग होती है, आप हर सभी के नेम का फर्स्ट लेटर और फिर बाद में उसके बाद के सेकेंड लेटर को आप चूज करते हो। क्लियर, ये होती है आपकी वोवल इंडेक्सिंग। वोवल इंडेक्सिंग के बाद हम बात करते हैं कार्ड इंडेक्सिंग। कार्ड इंडेक्सिंग होती है, आप लोगों ने फाइलिंग सिस्टम में भी कार्ड वाला पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये बॉक्स है आपका, ये बॉक्स है, इसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक। बट आपने क्या किया, सबके उसमें, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने एक कार्ड रखा हुआ है, ठीक। फिर आपने यहाँ पे एक कार्ड रखा है, फिर यहाँ पे एक कार्ड रखा है। ये क्या बता रहा है कि यहाँ तक के लेटर्स, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, ये क्या मेंशन कर रहा है कि यहाँ तक के जितने लेटर्स हैं वो ए नाम के हैं, यहाँ के जितने लेटर्स हैं वो बी नाम के हैं, यहाँ तक के लेटर्स सी नाम के हैं। आप न्यूमेरिक फॉर्म में भी कर सकते हो। तो ये होता है एक तरीके का कार्ड इंडेक्सिंग होता है। आई विश आपको ये भी समझ में आया होगा कि कार्ड इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है, जो कि आपकी लेटर रिकॉर्ड बुक्स होती है ना, उसमें आप ऊपर साइड में जो भी वो रहती है बुक, उसमें आप इधर साइड में क्या करते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हो, ठीक। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हो, जैसे 502, ठीक। अब मान लीजिए ये क्या है, पहला पेज है, ये जो लेटर होता है ये बताता है कि इस पर्सन ने कितने लेटर्स, इस पर्सन को कितने लेटर्स सेंड किए गए हैं या लिए गए हैं, तो 5 लेटर्स हैं। ऊपर वाला पोर्शन ये बताता है कि कितने लेटर्स इस कस्टमर को सेंड किए गए हैं, और नीचे वाला पोर्शन है कितने लेटर्स इससे रिसीव हुए हैं। तो ये पोर्शन आपको मेंशन करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी क्रॉस रेफरेंसिंग इंडेक्सिंग में। नेक्स्ट आता है विजिबल इंडेक्सिंग। विजिबल इंडेक्सिंग क्या होती है, विजिबल इंडेक्सिंग होती है आपकी, जैसे एक पूरी ये वो रहती है इस टाइप में, सॉरी, इस टाइप की आपकी वो रहती है पूरी, ठीक है, जिसमें आप सारी चीजें, यानी कि एक तरीके का व्हील वो इनविजिबल इंडेक्सिंग रहती है, इसमें पूरी लिस्ट लगी रहती होती है, ठीक है। आप जैसे किसी शॉपिंग वॉपिंग पे जाओ या कहीं पे जाओ, जिसमें एक पूरा स्टैंड लगा रहेगा, उसमें इस टाइप्स के सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए, पेपर्स लगे हुए। अब आपको जैसे कोई लिस्ट ढूंढनी, तो आप इसको टर्न करोगे, घुमाओगे, तो देखोगे सारे
लेटर सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या टाइम क्या 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 टाइम है या जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट के प्राइस पर प्रोवाइड कराना चाहते हो, लेटर्स इंडेक्सिंग करना चाह रहे हो, जो भी करना चाहते हो, तो वो इसमें मेंशन होता है। इसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये इलास्टिसिटी है इसमें कि हाँ, आपको अगर थोड़े और ऐड करने हैं पेपर्स, आप इसमें ऐड कर सकते हो ईजिली, ठीक, आपकी स्पेस नहीं घेरता है, टाइम कंज्यूमेबल है, यानी कि ईजिली आप डॉक्यूमेंट्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब फिर आता है व्हील इंडेक्सिंग। व्हील इंडेक्सिंग क्या होता है, व्हील इंडेक्सिंग भी इसी तरीके से का रहता है, वो एक बॉक्स, वो क्या रहता है, एक तरीके का बॉक्स टाइप में रहता है और उसमें व्हील रहती है, व्हील लगी रहती है, ठीक है। उसमें आपको जैसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपने उसको घुमाया और फिर वो डॉक्यूमेंट निकाल लिया, इस टाइप की आपकी व्हील इंडेक्सिंग होती है। बट ये सभी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, मेनली आपसे यही तीन जो मैंने आपको बताए इन टॉपिक्स में वो पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, पूछा जा सकता है। बट मेन जो इंडेक्सिंग चैप्टर से आपकी आते हैं, पूछे जाते क्वेश्चंस बनते हैं, वो आते हैं इम्पॉर्टेंस हो गए या ऑब्जेक्टिव्स हो गए या तो फिर इसकी मीनिंग पूछ ली गई, ठीक है, इनमें से कुछ पूछा जाता है, ठीक। आई विश आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है आज, ठीक, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं था, छोटा सा चैप्टर था जो हमने समझ लिया है। अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी लेटर्स के ऊपर, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है लेटर्स के ऊपर, कि अब हमें लेटर्स कैसे करने हैं। आई विश आपको इतना पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लग रहा है सो मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।